बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जो पूरे 57 साल के हो चुके हैं। सलमान खान वो सुपरस्टार हैं जो अपने दुबलेपन के कारण कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे। बताएंगे सलमान के जीवन से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलमान खान का जन्म 1965 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। सलमान खान के पिता सलीम खान जो कि एक स्क्रीन राइटर है और माँ हिंदू सुशीला चरक जो शादी के बाद इस्लाम कबूल कर सलमा बन गई। सलमान खान के दादा अब्दुल राशिद खान इंदौर के DIG थे। वहीं सलमान के परदादा अलकोजई पश्तून थे जो अफगानिस्तान से वापस आए थे। सलमान महज जब 16 साल के थे तब उनके पिता सलीम खान ने एक्ट्रेस हेलन से दूसरी शादी की थी। अपने पिता की दूसरी शादी के दिन सलमान बहुत रोए थे। वहीं सलीम खान की दूसरी शादी से परिवार भी नाखुश था। हालांकि समय के साथ ये नाराजगी खत्म हो गई और अब सलमान खान भी अपनी सौतेली माँ हेलन के बहुत करीब हैं। सलमान ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल और मुंबई के सेंट स्टेनियस लॉस हाई स्कूल में पढ़ाई की है। सलमान ने सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन तो लिया लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सलमान कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे, वो डायरेक्शन सीख रहे थे और उन्होंने एक फिल्म भी लिखी थी जिस पर कोई पैसे लगाने को राजी नहीं था। उसी दौरान जेके बिहारी अपनी फिल्म बीवी हो तो ऐसी में रेखा के देवर का किरदार निभाने के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने ऑडिशन रखा लेकिन ऑडिशन में कोई पहुंचा ही नहीं। ऐसे में निराश होकर जेके बिहारी ने ये फैसला लिया, जो भी पहला शख्स मेरे ऑफिस में आएगा उसे मैं ये रोल दे दूंगा। खुशकिस्मती से वो पहले इंसान थे सलमान खान। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सलमान अपनी एक्टिंग से नाखुश थे। सलमान चाहते थे कि ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हो कि इसे कोई देखे ही ना। फिल्म रिलीज हुई और हिट भी हुई लेकिन सलमान को इसका क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि उनका साइड रोल था। उसके बाद सलमान ने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें लॉन्च करे तो सलीम खान ने कहा, जब मैंने इंदौर से मुंबई आकर कभी घोड़ों पर पैसे नहीं लगाए तो गधों पर पैसे क्या खाक लगाऊंगा। इधर सलमान की किस्मत ने जोर मारा और उन्हें अगली फिल्म बतौर लीड रोल सूरज बरजातिया की मैंने प्यार किया मिल गई। सलमान डर गए कहीं उनकी खराब एक्टिंग की वजह से सूरज के पैसे न डूब जाए। सलमान ने सूरज बरजातिया को कॉल करके रिक्वेस्ट की कि उन्हें फिल्म में एक्टर की बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया जाए, लेकिन सूरज बरजातिया ने सलमान को समझाया और फिल्म बन गई। ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी जिसे आज भी भारत की आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है। 1989 की सबसे बड़ी फिल्म मैंने प्यार किया थी जिसने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई की, जिसके लिए सलमान को बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड भी मिला था। तब से लेकर आज तक सलमान ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।